अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तहमीना यूसुफ है और मैं कल्सोम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरा आज का ये वीडियो मैसेज पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में है, क्योंकि सितंबर को हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज अवेयरनेस मंथ के तौर पे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक रिप्रोडक्टिव एज की बीमारी है, और रिप्रोडक्टिव एज का मतलब है कि ये औरतों को उस वक्त स्टार्ट होती है जब वो पीरियड्स की एज में एंटर होती हैं, और पीरियड्स जब तक उनको आते रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें होता क्या है, आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपके पीरियड्स जो हैं वो डिले हो सकते हैं, या हो सकता है आपको पीरियड्स आए ही ना। उसके अलावा आपके नॉर्मल हेयर ग्रोथ हो सकती है, आपका एक्सेसिव वेट गेन हो सकता है, एक्नी हो सकती है आपको बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कुछ खवातीन को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो। तो इसका सीक्रेट बहुत सिंपल है, आपको जो है वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी होगी, अपनी डाइट पे चेक रखना होगा, लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट लें, कैलोरीज जो है अपनी बैलेंस में रखें, और सुबह शाम कोशिश करें हाफ एन आवर वर्कआउट्स के लिए या वॉक के लिए निकालें, अपने वेट को अपनी रेंज में रखें। सबसे ज़्यादा रिस्पांस जो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम है, उनका वेट रिडक्शन से आता है। अगर आप 5-10% वेट जो है अपना लूज करती हैं तो उससे आपकी सिम्टम्स जो हैं वो 50% तक बेहतर हो सकती हैं। तो बाकी जो ज़्यादा सीरियस मसाइल हैं इसमें, जैसे पीरियड्स इरेगुलरिटी है या कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स हैं, या अगर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है आपको और एक्नी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए लाजमी आपको जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और ट्रीटमेंट अपनी करानी पड़ेगी। बाकी सिंपली ये याद रखें कि PCOS जो है वो इंटायरली आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है, तो कीप योर लाइफस्टाइल हेल्दी एंड स्टे अवे फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। थैंक यू सो मच।